is a winding road. हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। आज है संडे का दिन और आज मैं आप लोगों के साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। मैं अराउंड 7 o'clock उठी हूँ। कल रात लेट हो गया था सोते सोते, इसीलिए आज थोड़ा सा आराम से उठी। उठने के बाद मेडिटेशन किया और अब मैं आई हूँ बाहर। और ये अजवाइन का पानी, मैं अजवाइन सोख करके रख दी थी कल रात को, बस इसे स्ट्रेन करके मैं पी लूँगी, इसे बॉयल नहीं करती। इसे मैं बाहर बालकनी में जाके पीऊँगी, एक बार सूर्य देवता को नमस्कार करूँगी। और इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप एकदम तेज़ थी आज सुबह जब मैं उठी, बारिश यहाँ बहुत कम हो रही है। अभी ना मैं मम्मी के रूम में बैठी हुई थी और यहाँ पे हमारा एक पुराना एल्बम निकला हुआ रखा था। मैं जस्ट ऐसे ऐसे पलटने लगी और बस कितना टाइम निकल जाता है ना पुराने पिक्चर्स देख देख के, कैसे सारी मेमोरीज पिक्चर्स में कैप्चर हो जाती हैं। और उस जमाने में तो ना किसी के पास कैमरास भी नहीं होते थे, हम मोस्टली स्टूडियोज में जाके पिक्चर्स क्लिक कराते थे। चलिए तो कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाते हैं आज। मैं ये कल एवोकाडो लेकर आई थी, चांदनी चौक हम लोग गए थे, वहाँ पे मिल रहा था। इंडिया में ना एवोकाडो ऐसे लोकल मार्केट में नहीं मिलता है, बहुत स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही मिलता है। तो मैंने देखा, मुझे लगा ले लेते हैं, कल इसका सैंडविच वगैरह या गुआक बना के खा लेंगे। तो मैंने प्याज टमाटर कट किया, इसमें थोड़ा सा लेमन जूस, ब्लैक पेपर, सॉल्ट ऐड करके गुआक रेडी की और बस ब्रेड पे स्प्रेड कर दिया। थोड़ा सा अमूल चीज़ पे इस पर ग्रेट कर रही हूँ। और ये सैंडविचेस मुझे खाना बहुत पसंद था बैक इन शिकागो, तो मैं अक्सर बनाया करती थी। आज बनाया तो मज़ा आ गया सुबह सुबह। वैसे भी गोविंद को सैंडविचेस खाना बहुत पसंद है, उसके लिए जिस दिन भी सैंडविच बना दो वो खुश हो जाता है। अच्छा, इसको ग्रिल करने के लिए मैं एक अमेजिंग सा पैन यूज़ करने वाली हूँ, तवा। ये मुझे इंडस वैली की तरफ से रिसीव हुआ था कुछ टाइम पहले और जैसे ही आया था ना मैंने इसे ऐसे ही अनबॉक्स कर लिया था। ये देखिए, ये जो तवा है ना ये डुअल साइड वाला है, एक तरफ फ्लैट है और एक तरफ ये ग्रिलिंग पैन है, तो मतलब डुअल पर्पज़ सॉल्व कर देगा। आपको चीला बनाना है तो आप फ्लैट सर्फेस यूज़ कर लो, कभी आपको ग्रिल करनी है, सैंडविचेस बनानी है तो आप ये वाला साइड यूज़ कर सकते हो। कास्ट आयरन के यूटेंसिल्स इंडस वैली के बहुत अमेजिंग हैं, आप ज़रूर ट्राई करना। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये देखिए कितनी करारी करारी सी हमारी सैंडविचेस बन के रेडी हुई। मैंने बच्चों को केचप नहीं, जो घर में इमली की चटनी बनाते हैं वो दिए और बस अभी सर्व करती हूँ। गोविंदू, आपको कैसा लगा बीबी? बहुत बढ़िया मम्मा। आपको तो सैंडविचेस वैसे ही बहुत पसंद है। और केशु को कैसा लगा? केशु ने तो अभी तक ट्राई भी नहीं किया। नीचे रखो, ऐसे नहीं करो बीबी, नीचे रखो, प्लेट में रखो। बना है। चलो ठीक है, खा लो, आराम से खाओ। कल मैं बच्चों को चांदनी चौक लेकर गई थी, आपने शॉर्ट वीडियो में तो देख लिया होगा, वहाँ पे दोनों बच्चों ने ओरियो शेक पिया था। तो आज दोनों बोलने लगे, मम्मा आज घर में बना दो ओरियो शेक। तो बस यहाँ पे मैंने ठंडा ठंडा ओरियो शेक बना के बच्चों को सर्व किया। वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी है, तो अच्छा लगा उनको पीने के बाद। बस फिर मैं अपने रूम को थोड़ा सा डीप क्लीन करने में लग गई थी, क्योंकि संडे ही मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम होता है अपने रूम को साफ सफाई करने का, डीप क्लीन करने का। आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैंने केशु को लिखना कैसे सिखाया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने केशु के लिए ना कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाले। वैसे भी सेकेंड चाइल्ड ना फर्स्ट चाइल्ड को काफ़ी मिमिक करता है और वो खुद ब खुद बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है। और जब वो 2 years plus था ना मैंने उसको प्ले स्कूल में डाल दिया था एंड फ्रॉम देयर हिज लर्निंग स्टार्टेड। इनिशियली आप बच्चों को क्रेयॉन्स दे सकते हो, इस टाइप का बोर्ड मार्कर दे सकते हो, बच्चे अपने आप ग्रिप करना सीख जाते हैं। और आजकल ना मैं गोविंद के अंदर इंस्टिल करने की कोशिश कर रही हूँ इंडिपेंडेंट स्टडी की हैबिट, उसको मैं होमवर्क समझा जाती हूँ और उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली करता है और उसके बाद मैं करने के बाद सुपरवाइज कर लेती हूँ। तो अभी शार लेने जाने से पहले मैंने उसको मैथ्स के कुछ सम्स दिए थे, मल्टीप्लिकेशन के, उसने कुछ गलत किए कुछ सही किए, बट यस नाउ आई एम चेकिंग ऑल हिज सम्स एंड मैं उसको उसकी गलतियाँ समझा रही थी। मुझे इंडस वैली से एक और स्टॉक पॉट रिसीव हुआ था, ये 2 liter का है, प्योर स्टेनलेस स्टील का। इसकी शेप मुझे बहुत अच्छी लगी थी एंड इट कम्स विद दिस ग्लास लिड। ये हांडी स्टाइल का है, आप इसके अंदर खीर बना सकते हो, बिरयानी बना सकते हो एज इट इज़ ट्राई प्लाई एंड ये काफ़ी हैवी भी है बॉटम से। बहुत ही अमेजिंग इसकी शेप है, मतलब मुझे इसकी शेप बहुत पसंद आई थी एंड इट इज़ गुड फॉर अ फैमिली ऑफ 4 to 6 people। इंडस वैली के पास वाइड रेंज ऑफ स्टेनलेस
स्टेनलेस स्टील एंड कास्ट आयरन के कुकवेयर्स हैं, तो आप उनकी वेबसाइट ज़रूर जाके एक बार ट्राई करना। इन दोनों प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इफ़ इन केस यू वॉन्ट टू चेकआउट। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि अपनी किचन से सारे नॉन स्टिक बर्तनों को आप धीरे धीरे करके बाय बाय बोलो और स्टेनलेस स्टील एंड कास्ट आयरन में इन्वेस्ट करो। तो आज मैं छोले बना रही थी, मैंने सोचा इसी हांडी में बनाऊंगी आज मैं। हम लोगों ने ना बाजार से मसाले लेना बहुत कम कर दिया है। आपको पता ही होगा अभी रिसेंटली न्यूज में कितना आ रहा था, बहुत सारे कंट्रीज ने जो हमारे इंडियन मसाले होते हैं वो बैन कर दिए, बिकॉज इनके जो फ्यूमिगेशन में गैसेस यूज होती है ना, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। यूएस ने बंद कर दिया, सिंगापुर, हांगकांग, कनाडा, यहाँ पे सारे इंडियन मसाले बंद हो गए हैं। मुझे नहीं पता पटेल स्टोर पे अभी कितने मसाले मिलते होंगे। मोर और लेस ना सारे मसाले सेम ही होते हैं, आप होल स्पाइसेस खरीद लो और खुद से भून के थोड़े बहुत इंग्रीडियंट्स ऊपर नीचे करके आप देख लो कि चना मसाले का क्या रेसिपी है, पनीर मसाले का क्या रेसिपी है। अपने घर में मसाले तैयार करो, एक तो वो कम क्वांटिटी में यूज होते हैं और उनकी फ्लेवर बहुत अच्छी होती है। अब हमारे घर में जो बचे हुए मसाले हैं बस अब हम वही यूज कर रहे हैं, अब हम बाजार से नहीं ले रहे। इनफैक्ट अब जो खत्म होते जा रहे हैं ना उनको घर में ही मम्मा प्रिपेयर करके रखती हैं। आप लोग अक्सर मुझे कमेंट्स में बोलते हो कि आप मेरे शिकागो की किचन मिस करते हो, मेरी कुकिंग मिस करते हो, बट दिल से बताऊं मैं भी अपनी किचन उतना ही मिस करती हूँ जितना शायद आप मिस कर रहे हो वीडियोस में मेरी किचन को। मुझे बहुत अच्छा लगता था यार अपनी किचन में कुकिंग करना, माय फेवरेट स्पॉट इन द एंटायर होम मुझे लगता है मेरी किचन ही थी। मैं जितनी भी अनबॉक्सिंग करती थी या आप लोगों से भी अक्सर जब बात करती थी तो किचन से ही बात करती थी। और वैसे भी हमारे इंडियन हाउस होल्ड में तो हमारा प्यार ही किचन से स्टार्ट होता है ना। छोले की ग्रेवी ना जितनी अच्छे से सिकेगी ना उतना ही अच्छा छोले में फ्लेवर आता है। शाम का टाइम है और अभी थोड़ी देर पहले मैं गोविंद को उसकी स्विमिंग क्लास करा के लेकर आई थी। और ऑनेस्टली यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और जहाँ पे उसका स्विम स्कूल है वहाँ पे एसी वगैरह तो है ही नहीं, एक दो पंखे हैं जो बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे थे, वह पूरा पसीने में, मतलब हालत ख़राब है यहाँ की। आप लोग अपने अपने सिटीज़ का बताना कैसा है वेदर वहाँ। और जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ना हम लोग तो फ़ैन एसी सब बंद करना पड़ता है, अदरवाइज आवाज़ आती है फिर अच्छा नहीं लगता, बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। खैर कल हम लोग गए थे सदर बाजार और चांदनी चौक, आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, वहाँ से हमने बहुत सारी थोड़ी थोड़ी शॉपिंग की है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अदरवाइज ना फिर वो रह जाता है। जैसे मैं मॉल गई थी वहाँ की शॉपिंग भी अभी तक शेयर नहीं हो पाई, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे ना घर डेकोरेट करने का कितना शौक है ये तो आपको पता ही होगा मेरे वीडियोस के थ्रू, तो मैंने कुछ सामान लिया है अपने घर के लिए शिकागो के लिए, मैं आपको वो दिखाती हूँ। यहाँ पे ना सदर बाजार में यार इतना सुंदर सुंदर डेकोरेशन का सामान मिलता है ना, एंड एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट। मतलब ये सारी चीज़ें आप टारगेट पे देखेंगे यूएस में या फिर कौन सा स्टोर होता था मैं नाम भूल रही हूँ, टीजे मैक्स पे देखेंगे, बहुत एक्सपेंसिव मिलता था। बट यहाँ अगर सदर बाजार वगैरह जहाँ पर जाएंगे ना तो वहाँ पे ना होलसेल मार्केट है, तो काफ़ी बल्क में सामान अगर आपको लेना है तो वो भी मिल जाता है। और आजकल तो रिटेल शॉप्स भी हैं वहाँ पे, रिटेल में भी दे देते हैं। तो कल मैं एक ऐसी शॉप मेरे को दिखाई थी निकलते निकलते, वहाँ पे इतना सुंदर सुंदर डेकोरेशन का सामान था, एंड आई जस्ट कुड रेजिस्ट, मैंने कहा यार अब तो लेना ही है। तो ये देखो एक मैंने छोटा सा ये डेकोरेटिव पीस लिया है घर के लिए, ये टी लाइट कैंडल होल्डर है, और ये कहीं पे भी रख दो एकदम इंस्टेंटली एकदम एक कोई एलिमेंट ऐड हो जाता है घर में। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे ये सिर्फ और सिर्फ मुझे 150 रुपीज़ का मिला है, मतलब उन्होंने आई थिंक 280 का बोला था, बट वो लोग थोड़ा ज़्यादा ही बोलते हैं, फिर कम कराते कराते 180 में दे दिया था ये मुझे। ये तो मैंने ऐसे निकलते निकलते लिया था। एक पीस मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं एकदम देखते ही शॉप के अंदर घुसी थी लेने के लिए, ये बहुत ही प्यारा सा कैंडल होल्डर है। अगेन यार वहाँ पे थे बहुत सुंदर सुंदर, बट मैं ज़्यादा ले नहीं पाई क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है पहले तो जाएंगे कब, और जब जाएंगे तो बैग में स्पेस कितना होगा, ये हम बाहर रहने वालों की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि स्पेस कितना होगा बैग में ये नहीं पता। इनफैक्ट जब मैं लेकर आई मैंने कल वीडियो कॉल पे अंशुल को दिखाया तो ही वॉज ऑल्सो सेइंग यार तुम ये सारा सामान क्यों इकट्ठा कर रही हो, पता नहीं जा भी पाएगा हमारे साथ या नहीं।
बट देन आई विल मैनेज. अपने कपड़े थोड़े कम ले जाऊंगी बट ये सामान जरूर लेके जाऊंगी. तो ये देखिए ये है इसके साथ और ऐसे वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी यूनिक पीस. एंड आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको इसका प्राइस बताऊं. ये मैंने लिया था उन्होंने 700 का बोला था एंड मुझे 550 में दे दिया था. ये देखिए कितना प्यारा है, कितना सुंदर लग रहा है. इसमें क्रिस्टल्स लगे हुए हैं एंड इसमें आप कैंडल रख दो एंड इट विल जस्ट इंस्टेंटली एड एन एलिमेंट टू एनी कॉर्नर. एक थोड़ा सा इससे हाइट में बड़ा भी था, मेरा दोनों लेने का मन था बट अगेन वही मैं कन्फ्यूजन में हूँ कि पता नहीं मेरे सामान में जा भी पाएगा या नहीं. इतने सुंदर सुंदर जार्स मैंने देखे जो मेरा मतलब मैं ना आज तक वो पिंटरेस्ट वगैरह पे देखती थी एंड मुझे इतना मन था वो लेने का. बट अगेन मम्मी बोल रही थी कि एक बार तुम्हारा जाने का प्लान बन जाए, फिक्स हो जाए और उसके बाद तुम एक बार थोड़ा सा अपना सामान सॉर्ट कर लो कि क्या तुम्हारा सामान है क्या है. और फिर अगर एक बार टिकट्स हो जाती हैं तो पता चल जाता है ना कि कौन सी एयरलाइंस से जा रहे हैं, कितने बैगेज अलाउड हैं. तो उसके हिसाब से फिर मैं एक बार फिर से जाऊंगी सदर बाजार शॉपिंग करने. मैंने मम्मी को पहले से बोल दिया, मम्मा एक दिन प्लीज मेरे साथ सदर बाजार फिर चलना. फिर सदर बाजार से हम ज्यादा कुछ शॉपिंग नहीं कर रहे थे, उसके बाद हम सीधा निकल गए थे चांदनी चौक क्योंकि बच्चों को दिखाना था रेड फोर्ट. और रेड फोर्ट के साथ साथ हमेशा चांदनी चौक जाओ तो थोड़ा सा रहता है चलो दो चार दुकानें देख लेंगे, कुछ शॉपिंग कर लेंगे. हमारी बहुत ही फिक्स्ड शॉप्स हैं चांदनी चौक में जहाँ से हम हैवी जो अटायर्स होते हैं, एथनिक वेयर होते हैं वो लेते हैं, जैसे लहंगा साड़ी वगैरह. एक तो पराठे वाली गली में अप्सरा साड़ीज है, संजीला है, उसके बाद रति राम राम विनोद है. इनके बहुत अमेजिंग कलेक्शन है. आप कभी भी आंख बंद करके कोई भी आपको अपना वेडिंग ट्रूजो वगैरह तैयार करना है तो आप इनके शॉप्स पे जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि सारी रेंज मिल जाती है. जब हम चांदनी चौक पहुंचे ऑटो से सदर बाजार से तो हमें एक चलते चलते शॉप दिखाई दी चांदनी चौक में ही जहाँ पे ये मैट्स मिल रहे थे, टेबल मैट्स. तो मैंने ये दो लिए हैं अपने घर के लिए. एक मैंने ये ट्रांसपेरेंट लिया है, प्लास्टिक के हैं ये. मुझे ना इसे प्लास्टिक कवर्स लगाना बहुत अच्छा लगने लगा टेबल पे. तो क्लॉथ वाले तो मेरे पास बहुत है भी और वहाँ पे डीजे मैक्स पे बहुत सुंदर सुंदर प्रिंट के मिल भी जाते हैं बट ये प्लास्टिक वाले मुझे वहाँ पे नहीं मिले थे. तो एक मैंने ये बहुत ही प्यारा सा लिया है, ये देखिए इस टाइप का, और इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट वाला लगा दो तो इसकी लाइफ थोड़ी सी लॉन्जिटिविटी बढ़ जाती है. उसके बाद चांदनी चौक में आगे चलते चलते रेड फोर्ट की तरफ हम लोग एक फेमस गली है कटरा लहसवान वहां पे रुके. बहुत फेमस है, एकदम पतली सी गली है, मतलब उस गली में शायद दो लोग एक साथ नहीं चल सकते, इतनी पतली है, आप ये समझ लीजिए. दोनों तरफ दुकानें हैं और दोनों तरफ दुकानों में सिर्फ आपको सूट पीसेस मिलेंगे. एंड आई कैन टेल यू वहाँ के सूट पीसेस एक तो अच्छे बहुत होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइनर पीसेस, कॉटन सूट, सब कुछ आपको मिल जाएगा एंड बहुत ही अमेजिंग प्राइजेस पे. भीड़ बहुत होती है क्योंकि वहाँ पे लेडीज देखती रहती हैं, सूट देखती रहती हैं एंड बल्क में खरीदती हैं. तो हमने भी खूब सारे सूट्स खरीदे. एक्चुअली प्राइस बहुत अच्छा था इसीलिए फिर मन किया कि चलो ले लो जब आए ही हो तो, क्योंकि फिर एक एक सूट के लिए ना इतनी दूर जाया नहीं जाता. तो सबसे पहले मैं आपको एक सूट दिखाती हूँ, ये देखिए ये अजरक प्रिंट का सूट हमने लिया, वेरी ब्यूटिफुल डार्क ब्लू एंड रेड टोन में. ये बहुत ही सुंदर इसकी शर्ट बनेगी. ये इसका दुपट्टा है इस वाले सूट पे, तो ना मतलब मेरा दिल आ गया था. एंड प्योर कॉटन का है ये, जैम कॉटन शायद इसे बोलते हैं इस कपड़े को, मुझे कपड़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट ये कॉटन का सूट है. और ये 500 का है, मतलब आप एक बार प्रिंट देखिए इसका. मैंने पूछा कि इसका कलर तो नहीं निकलेगा, तो उन्होंने बोला अगर आप निकालना चाहोगे तब भी नहीं निकलेगा. इसका पैंट मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब आप पैंट बनवाओ सलवार बनवाओ इसका फैब्रिक मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए ये बॉटम फैब्रिक है, ये शर्ट का फैब्रिक है एंड ये इसका दुपट्टा है. ये वाला फैब्रिक वैसे तो हमने मम्मी के लिए पसंद किया था बट ऑनेस्टली इसे देख देख के ना बार बार मेरा मन कर रहा है कि इससे ना मैं अपनी कुर्ती डिजाइन करवाऊं. इस प्रिंट को देख के ही ना मुझे लग रहा है कि मेरे दिमाग में एक डिजाइन है जो मैं इससे बनवा सकती हूँ. बट देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा एंड वेरी वेरी सॉफ्ट मटीरियल. उसके बाद मैं आपको ना दूसरा सूट दिखाती हूँ जो हमने लिया था वहां से. ये हमने एक अलग शॉप से लिया था और ये दोनों हमने एक साथ एक शॉप से लिया था. अच्छा, अगर आप चांदनी चौक शॉपिंग करने जाते हैं ना तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, दो पेटीएम इज वेरी फेमस नाउ इन इंडिया, हर नुक्कड़ हर दुकान पे आपको मिल जाएगा. बट चांदनी चौक में अभी भी बहुत सारी शॉप्स ऐसी हैं जो पेटीएम नहीं एक्सेप्ट करती हैं, वो बोलती हैं हमें कैश दे दो. तो कल हुआ क्या, हमारे पास ना कैश था 2000 रुपये और पेटीएम ही हम लेके चलते हैं कि चलो भाई पेटीएम से कर देंगे, कार्ड से कर देंगे, कार्ड भी नहीं पेटीएम ही चलता है. तो क्यों इतनी भीड़ में इतना सारा कैश लेके घूमना.
अब हर दुकान पे जाएं तो वो बोले यार पेटीएम नहीं चलेगा, कैश चलेगा। कुछ दुकानें थी जिन्होंने कैश नहीं पेटीएम भी ले लिया था, बट हाँ थोड़ा सा कैश कैरी करना अगर आप चांदनी चौक जा रहे हो तो। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हो कि प्रिया आप शॉपिंग कहाँ से करते हो चांदनी चौक में, इसीलिए मैं आपको बता भी रही हूँ और थोड़ी सी कलेक्शन दिखा रही हूँ चांदनी चौक की। उसके बाद हमने मम्मी के लिए ये वाला सूट लिया, ये भी कॉटन का सूट है। एक बार इसकी आप डिजाइनिंग देखें एंड कलर एकदम यूनिक सा मेहंदी ग्रीन कलर है। आई थिंक कैमरे में उतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा या पता नहीं कैप्चर हो रहा है, बट वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी सटल कलर, मतलब जो समर्स में बहुत प्यारा लगेगा पहनने के बाद। ये शर्ट है प्लेन, इसका प्लाजो पैंट या सलवार जो भी बनवाना चाहो, एंड ये इसका दुपट्टा है। एंड आप यकीन नहीं करेंगे ये तीनों सूट्स हमने 2500 में लिए हैं, बहुत अच्छा प्राइस मिल जाता है पता है। मैंने जैसा बोला स्टार्टिंग फ्रॉम कॉटन टिल आप एकदम पार्टी वेयर अच्छे मसलिन और गैंजा के फैब्रिक्स वहाँ से ले सकते हो। ये देखिए एक हमने ये वाला सूट लिया, आजकल ये पर्पल कलर बहुत ज्यादा ट्रेंड में है एंड इसकी कढ़ाई एक बार देखिए कितनी सुंदर है। वैसे हमारा मेन पर्पस था कल का कि हम बच्चों को रेड फोर्ट दिखा के लाएंगे और हमें पता ही नहीं था 15 अगस्त की वजह से ना वहाँ पे सब प्रेपरेशंस चल रही थी और एंट्री बंद कर रखी थी, बट हमने बाहर से देखा फिर हम लोग राजघाट की तरफ निकल गए थे, बच्चों को राजघाट दिखाया। अब कभी मौका लगेगा तो फिर से एक बार ले जाऊंगी रेड फोर्ट दिखाने, बट प्रॉब्लम ये होती है बच्चे ना उतना वॉक नहीं कर पाते और वहां पे वॉक बहुत करना पड़ता है। कल मैंने हिम्मत की थी कि चलो ले जाते हैं एक बार बच्चों को दिखाने के लिए, बट बंद मिला। तो ये थी दोस्तों कुछ शॉपिंग चांदनी चौक की, आई होप आपको पसंद आई होगी। और लास्ट वीडियो में काफी सारे लोग बोल रहे थे कि प्रिया आपका कंटेंट अब काफी चेंज हो गया है, तो ये चीज ना मैं पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि मुझे भी पता है यहाँ रह के मेरी अपनी कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं। जैसे मैं आप लोगों के साथ वीडियोज शेयर करती थी बैक इन शिकागो, मैं वैसे वीडियोज नहीं शेयर कर पाती हूँ, दो आई ट्राई हार्ड कि मैं आप लोगों के साथ कुछ नया कुछ फ्रेश शेयर करूँ अपने वीडियोज में, एंड उतना ही मैं शेयर कर पाती हूँ जितना मैं एक्चुअली आई पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक वीडियोज। सो आप बस ट्रस्ट करो कि जो मैं शेयर कर रही हूँ दैट इज द बेस्ट ऑफ माई केपेबिलिटीज फॉर नाउ, तो प्लीज बेयर विद मी। थोड़ा सा शायद टाइम है, पता नहीं अब कब जाना हो जाए, फिर आपको वापस से शिकागो के ब्लॉग्स मिलेंगे, शिकागो की किचन मिलेगी। एंड जैसा कि मैं सुबह भी बोल रही थी, जितना आप लोग मेरे घर को मिस करते हो वीडियोज में, किचन को मिस करते हो, आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैं कितना मिस करती हूँ अपने घर को। मैंने ना लाइफ में एक चीज सीखी है, जिस सिचुएशन में भी आज हम है ना वो किसी पर्पस की वजह से है, उसने डिसाइड कर रखा है वो पर्पस, चाहे वो अच्छा टाइम हो चाहे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम हो। अच्छे टाइम में हम कभी भी ये नहीं सोचते यार हम इस सिचुएशन में क्यों है, हम खूब सेलिब्रेट करते हैं खूब इंजॉय करते हैं और भूल जाते हैं उस सिचुएशन का पर्पस। बट जब हम किसी डिफिकल्ट टाइम में होते हैं तब हम सोचते हैं यार हम ही क्यों है इस सिचुएशन में। तो जस्ट हैंग इन देयर, भगवान है ऊपर से देख रहा है, ही विल डेफिनेटली गेट यू आउट ऑफ दिस सिचुएशन एज वेल, क्योंकि कोई भी टाइम रुकता नहीं है, टाइम इज द ओनली चेंजिंग थिंग, राइट। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत ज्यादा ध्यान रखो, खुश रहो और भैया गर्मी से बच के रहो, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, देखो मैं कैसे पसीना टपक रहा है सब। चलिए बाय बाय।